सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक हो चुका है सभी का एक और न्यू सीरीज में। ये सीरीज होने वाली है एक पॉन शॉप गेम की, जिसका नाम है डीडर्स लाइफ लाइट। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के इस गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने गेम को कर लिया है ओपन, और ये हमारे गेम का होने वाला इंटरफेस। तो साउंड वाउंड तो मेरे को सही लग रहा, म्यूजिक भी कम है। न्यू गेम पे कर देते हैं क्लिक, और व्हाट्स योर नेम, अपना नाम डाल देते हैं अक्षत। पॉइंट्स टू असाइन, क्रिएट योर कैरेक्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ मैक्स 3 पॉइंट पर स्किल। तो ये चार हमारी स्किल हैं, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस पता नहीं शायद मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, चरिश्मा, इनसाइट, करिश्मा और शायद से, और इनसाइट और लक है। कॉम्पिटेंस से, द मोर कॉम्पिटेंस यू हैव द मोर आइटम यू विल बी एबल टू एस्टिमेट विद मोर एक्यूरेसी। तो इससे हम लोग आइटम का प्राइस गेस कर पाएंगे कि उसका कितना प्राइस होना चाहिए एग्जैक्ट और ज़्यादा एक्यूरेसी से। तो मैं इसको तो लेने वाला हूँ। 4 पॉइंट्स बचे हैं मेरे पास, मैं एक एक सबको ले सकता हूँ और एक दो ले सकता हूँ, बाकी दूसरा देख लेते हैं। दूसरे स्किल से क्या होता है, करिश्मा से होता है गेट मोर ओपननेस इवन फ्रॉम द हार्डेस्ट कस्टमर। ओपननेस थैंक्स टू योर कंपीयरिंग आर्गूमेंट यू विल आल्सो बी एबल टू सेल काउंटरफीट आइटम्स मोर इजली। तो इससे हम लोग मतलब हार्डेस्ट कस्टमर से भी अच्छे से ओपनली बात कर पाएंगे, और हम लोग शायद से फेक आइटम्स भी बेच पाएंगे उनको। इनसाइट से क्या होगा, नोइंग नो एवरीथिंग अबाउट योर कस्टमर पर्सनैलिटी, इन एडिशन अ गुड इनसाइट विल लेट यू रिकनाइज काउंटरफीट आइटम मोर इजली। तो इससे हम लोग अपने कस्टमर को जान पाएंगे और फेक आइटम्स को भी पहचान पाएंगे। लक से तो पता ही है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होगा और बैड एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। तो मैं लक लेने वाला हूँ, इनसाइट, करिश्मा ले ही लेते हैं आई थिंक, ले लेते हैं, और एक और मैं कहीं और, तो मैं जाऊंगा लक के पास। अपने गेम को स्टार्ट, यहाँ पे ट्यूटोरियल की टिप मिल चुकी है हमको। इट्स मॉर्निंग, द वर्किंग डे इज अबाउट टू बिगिन। इन दिस फेज ऑफ द गेम यू कैन मैनेज थिंग्स लाइक मूव टू अ न्यू शॉप, हायर एंड फायर एम्प्लॉयज, इंक्रीज योर स्किल एंड परफॉर्म एक्शन ऑफ आइटम। तो ये हमारा वर्किंग डे बैगिन होने वाला है, मतलब अपनी पॉन शॉप को हम खोल सकते हैं, और यहाँ की इस इंटरफेस में हम लोग अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं, एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं आइटम्स पर जो हमारे पास है, और एम्प्लॉयज को भी हायर या फायर कर सकते हैं। रिमेंबर दैट वंस यू ओपन द शॉप यू वॉन्ट बी एबल टू डू सच थिंग्स अंटिल नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगर हमने एक बार शॉप खोल दिए तो हम फिर से ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे अंटिल जब तक हमारी दूसरी मॉर्निंग नहीं होती है। तो डोंट शो, हाँ डोंट शो करो, अब तो पता ही चल गया। तो यहाँ पे हमको डेली न्यूज़ मिली है, शॉप फॉर रेंट, फैशी पैराडाइज फॉर रेंट, हमें यहाँ शॉप में भी मिली है और ये अभी है 3000 की। रेंट एंड मूव, अभी तो शायद नहीं हो सकता, ऐड दिखा रहा है इस पे। ब्रेन वॉशर हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय है, शॉप फॉर रेंट एक और शॉप है 7000 की, और बाकी ये सब शायद से न्यूज है। तो कर देते हैं अपना पहला दिन स्टार्ट। जो शॉप इज ओपन यू कैन ऑलवेज टैप योर फर्स्ट कस्टमर इन क्विक टू गेट डिटेल्स, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कस्टमर, पे मच अटेंशन टू सच एनकाउंटर्स एज दे कुड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द गेम डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डिसाइड टू डू। ओ मतलब ये एक तरह से एनपीसी होंगे हमारे गेम के, मतलब ये जो अभी आया है। रिमाइंडर दे आर ऑल्सो हिडन चॉइसेस अनलॉक्ड ओनली व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन आर मीट। ओ बढ़िया, ये भी ये तो हमने पढ़ ही लिया था। वाह, सम डिड फाइनली बाय दिस शेक आफ्टर ऑल, नाइस टू मीट यू, आई एम द नेक्स्ट डोर पॉन शॉप ओनर। तो ये बस हमारे बगल का, इसकी भी पॉन शॉप चलती है और हमने जस्ट इसके बगल में खोल दी है दुकान। तो ये हमारा एक तरह से राइवल होने वाला है, राइवल द बेस्ट पॉन शॉप इन टाउन जस्ट टू बी क्लियर। ओ इसकी ये अपनी बता रहा है पॉन शॉप इसकी सबसे बेस्ट है टाउन में। दैट्स राइट, डिड यू रियली ओपन अ पॉन शॉप हियर इन विदाउट केयरिंग अबाउट मी वर्किंग एग्जैक्टली नेक्स्ट डोर। ओ लग रहा है हमारे कैरेक्टर को पता नहीं था कि इसकी दुकान जस्ट बगल में ही है।
हाँ यू आर रियली डूम्ड. वी विल सी व्हाट इफ व्हाट आई सी हियर एट द मोमेंट इज जस्ट अ पुअर नोविस अकॉर्डिंग टू माय फेमोमीटर. फेमोमीटर क्या होता है? योर फेम लेवल इज द लोएस्ट आई हैव एवर सीन. हाँ यू डोंट इवन नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट डू यू. फेम मीटर इज व्हाट रियली मैटर्स इन योर बिजनेस. इट ग्रांट यू बिग डील्स एंड मनी वेल सीन. आई डिडंट नो ये हमसे बेट भी लगा रहा है. ओनली बाय इंप्रूविंग योर एबिलिटीज एंड मनी मोर टू प्रेस्टीजियस शो ऑफ फेम आई बेट वॉन्ट इवन मैनेज टू बिकम अ बिगिनियर. चलो इसने हमारे बेट लगा दी है और शायद से हमारी ये स्टोरी लाइन भी चलती रहेगी. इसमें स्टोरी लाइन भी हमारा पहला कस्टमर आ चुका है जो कि एक बायर है. आई जस्ट सॉ दैट आइटम गिव इट टू मी और आई विल बी वेरी सैड. लेट्स सी तो ये लेगा गोल्डन वॉच जिसका एस्टिमेट है 1140. लेट्स डील नाउ कैन हैग विद द कस्टमर मेक्स द बेस्ट डील यू कैन टू चेंज द वैल्यू. ये सब तो पता ही है. 11,040 भी हमें ये 12,080 ऑफर कर रहा है तो इसे 13,000 निकलवाते हैं. आई डोंट नो. ओके डील. ओ भाई 13,000 में 1,300 में इसने बेच भी दिया हमको. सही है प्रॉफिट हो गया पहले ही. अब हमारा आया कस्टमर कि हमको सेल कर रहा है कुछ. लेट्स सी एपिक भाई. सही है पहला शुरुआत में हमारे पास एपिक रेयरिटी का आ गया. एस्टिमेट इसका 1,180 है. तस्वीर करके देखते हैं हाउ मच मैं देना चाहूँगा इसको. 1,000 शायद. आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट इंटरेस्टेड एक्सेप्ट. ओ ले लिया इसने. सही है हमारा लास्ट कस्टमर. हेलो आई एम बिली ये गिव इट टू मी. अनकॉमन और 1,580 का है. लेट्स डी भाई. सही है इससे 3K निकलवा के देखें. वो भाई इसने दे दिया. सही है पहला दिन हमारा खत्म हो गया. एट द एंड ऑफ ईच डे दिस रिपोर्ट विल शो योर स्टैट फॉर द डे. रिमेंबर दैट एवरी 7 डे यू विल हैव टू पे योर वीकली एक्सपेंस सो मेक श्योर यू हैव इनफ मनी. ओ मतलब हर 7वें दिन में हमें अपना वीकली एक्सपेंस भी देना पड़ेगा तो हमारे पास इनफ मनी उसके लिए होने चाहिए 7वें दिन के लिए. चलो डेली स्टार्ट हमारी आ गई. आइटम सर 2 अबाउट 1 कस्टमर सर 3. टॉप ग्रॉस रेवेन्यू हमारा आया 4,300 का. तो चलो गाइज यहाँ पे हमारा पहला दिन तो हो ही गया है और इन्होंने हमको कुछ आइटम्स दे भी रखे थे जो कि हमने बेचे हैं. आई थिंक मेरे पास अभी थोड़े और आइटम्स होंगे क्योंकि एक आइटम मैंने खरीदा भी है. कंटिन्यू पे दबा देते हैं. तो गाइज यहाँ पे हमारा डे 2 हो चुका है शुरू. पहला दिन तो हमारा बहुत अच्छा गया था. हमने प्रॉफिट भी किया. दूसरे दिन में हमारी डेली न्यूज भी आ चुकी है. यहाँ पे हमें शॉप फॉर रेंट दिखा रहा है 15,000. नॉट इन द मनी भाई. पहले कमाने तो दो. वर्कर है हमारे पास ये तो प्रीमियम से अनलॉक होगा. और क्लर्क फॉर हायर 10,000. भाई इतना नहीं है मीर. बाकी ये सब तो न्यूज ही है. उन सब से मेरा कोई मतलब नहीं. ये इन दिस सेक्शन यू कैन व्यू आवर एम्प्लॉयज. तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज दिखाएगा फर्स्ट ऑप्शन में. सेकेंड में हमारे पास आइटम है जिनकी कैटेगरीज भी है. तो हमारे पास एक स्वॉर्ड है अभी. सनग्लास है. स्वॉर्ड टेन है. और एक ब्रॉन्ज मेडल है. मतलब 4 आइटम है और 8 हम लोग मैक्स आइटम रख सकते हैं. यहाँ पे हमारा फेम लेवल है नोविस अभी. और मैं ऑनेस्ट भी हूँ मतलब इसमें ये रेपुटेशन भी दिखा रहा है. और यहाँ पे हम लोग पैसे से अपना स्किल्स भी बढ़ा सकते हैं. और ये हमारी स्टोरी लाइन भी चल रही है. सही है. और ये हमारी माई शॉप दिखाएगा और ऑनगोइंग इवेंट्स. तो चलो बिना किसी देरी के अपना सेकेंड डे भी स्टार्ट कर देते हैं. फर्स्ट कस्टमर आ गया है हमारा. देखते हैं आज किस तरह कस्टमर आएंगे. ये बायर है. देखते हैं क्या खरीदेगा. टॉय ट्रेन 124 की है सिर्फ. यार कुछ अच्छा लाओ तुम लोग बेचने के लिए 5,000 तक का जिसको मैं आराम से प्रॉफिट में बेचूं 10,000 का. 124 एस्टिमेट है. 168 दे रहा. 176 तक का ले जाते हैं. एक सेलर आया है ये बढ़िया है 1,180 के. जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे महंगे आइटम भी आने लगेंगे. जस्ट लाइक लेजेंडरी क्लास के ये तो अभी अनकॉमन का है.
कंडीशन भी इसकी वेरी गुड है। 730 दे रहा, मैं 650 तक का ले जाऊँ। 700 680, ओके सही है, सस्ते दाम में अपनी निकाल ली। ये भी अपना सेलर आया है, और मुझे काउंटरफीट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1020 का है, गेस द प्राइस। मैं देना चाहूंगा 850। भाई ये लोग तुरंत मान रहे, आई थिंक मेरी स्किल काम आ रही है यहाँ पे। और हमने अपने सेकेंड डे में भी 4476 का रेवेन्यू किया है। अरे मतलब सेकेंड डे में नहीं किया, ये तो अपना टॉप ग्रॉस दिखा रहा टोटल का। आज हमारा 1354 का नुकसान हुआ है, आइटम्स खरीद लिए ना। चलो गाइस थर्ड डे के तरफ चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग थर्ड डे पे भी आ चुके हैं, और जैसा कि हमको ये सब मिलता ही है। शॉप आई है 3000 की है, लेकिन ये ऐड से होगी तो अभी मैं इसको करना नहीं चाहूँगा, और ये इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। हमारा फैम पॉइंट पड़ेगा, वीकली कॉस्ट 60 से बढ़ जाएगी, एम्प्लॉय शॉर्ट बढ़ेगा और इन्वेंट्री साइज नहीं बढ़ेगा। मेन इन्वेंट्री साइज ही होता है। एम्प्लॉयज एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के में क्विक एस्टिमेट। और ये एनालिसिस है, कंपिटेंट एम्प्लॉयज पे वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। थोड़ा अच्छी जगह पे जाएं और एम्प्लॉयज हायर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज एक ही कस्टमर आया, आई थिंक अब आएंगे नहीं। ये बायर है, 1020 का आइटम लेने आया है। गेस द प्राइस 1100। सही है, 250 का हमने प्रॉफिट कर लिया आज। आज 1100 का बैलेंस आया है हमारा, जिसमें से 250 प्रॉफिट था। तो थर्ड डे तो बहुत भाई यार बहुत बेकार गया था अपना, सिर्फ एक कस्टमर आया। तो गाइज यहाँ पे अपना फोर्थ डे भी स्टार्ट हो चुका है, 8000 का बैलेंस है। और हमें याद रखना है सेवेंथ डे पे अपने वीकली एक्सपेंस आएंगे। 7 डे के एंड पे आए शायद आएंगे। शॉप आई है 7000, ये भी बाय एड्स है। आई थिंक मैं ये सब दुकानें नहीं खरीद सकता। रिस्टोरर रिपेयर आइटम कर सकता, आई थिंक 10000 का क्लर्क ना भाई रहने दे। मेरे को कोई चाहिए मतलब लक वाला आया, जो अपने और कस्टमर देखे आए। जैसे देखो भाई एक ही कस्टमर आया, अनकॉमन और गुड। 1300, चलो 1900 तेरा भाई। मैं 1250 लगाता हूँ, मैं 1500 की आइटम्स है नहीं, एस्टिमेट से ज़्यादा की भी तो बेच सकते हैं। 1820, 1700, आई एम नॉट श्योर, दैट्स ग्रेट, थैंक यू भाई। 1700 में ले लिया, एस्टिमेट उसका कम था। चलो गाइस कोई ना, उसको अच्छे प्रॉफिट में बेचेंगे, नहीं बिकेगा तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे हम लोग आ गए अपने फिफ्थ डे पे, और एक और शॉप आई है रेंट पे 3000। यार मैं मूव ही नहीं कर सकता। लकी गाय फॉर हायर, पैसिव बिकम योर्स, इट ऑलवेज गुड टू हैव समवन लकी इन योर शॉप सिंस देयर लक इज पैसिव बिकम योर्स। 400 का है ब्रेन वॉशर, ब्रेन वॉशर ये सब तो नहीं चाहिए, हायर कर लेते हैं, क्या कहते हैं लक बढ़ जाएगा। चलो 400 का तो है, कस्टमर आए हैं, दो कस्टमर आए हैं, सिर्फ दो ही आए आज यार, कोई बात नहीं। लेट्स डील गेट द प्राइस, मैं करता हूँ 1500। ओ भाई ये भी बात नहीं, 820 का प्रॉफिट हुआ। लेट्स डील 490, हाँ थ्री एक्सेप्ट कर लिया, सही है। तो आज के दिन हमने 780 का प्रॉफिट किया है। 1500 का अपना रिवेन्यू था, और 720 का एक्सपेंस कर दिया। 420 और 320 का वो 720 ये हुआ। तो गाइज अब सिर्फ एक दिन बचा है हमारे 7 डे में। 6 डे पे हम लोग आ चुके हैं, और अपने पास एक एम्प्लॉय भी आ चुका है। लकी गाय फॉर हायर ये सेम है, फॉरगर ये तो प्रीमियम वाला है, क्लर्क कल कैन टेक योर पैसे गेटिंग योर मोर करिश्मा, नहीं अभी तो रहने दो। शॉप फॉर रेंट है
7000, ना रहने दे। शॉप हमने कर दिया ओपन। एक ही कस्टमर भाई, ये तो बहुत कम है। कोई ऐसा होना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय होता जो हमें कस्टमर लाके दे सकता। जैसे हमारे भर भर के कस्टमर आए यार, एक ही एक कस्टमर आते हैं। बायर आया, टी शर्ट लेना चाहता है, 550, 520, 700, 180 में हमने डील कर दी है अपनी। तो टोटल हमने अभी 6 दिन में अपना 7576 का रेवेन्यू निकाला है, और 7600 हमारे पास है अभी सिर्फ। चलो 7 डे आने वाला है, अपने 7 डे को हम लोग पहुंचते हैं। सो फाइनली गाइज, हमारा 7 डे यहाँ पे आ चुका है, वीक 1 का डे 7। और अभी तक तो हमारे पास कोई एक्सपेंस कटा नहीं है, आई थिंक लास्ट में ही कटेगा। शॉफर एंड भाई 8 लाख की है यार, लेकिन क्या दुकान है। खरीदेंगे हम भी ये, खरीदेंगे, अमीर हो जाए एक बार, बस पूरा गेम खरीद लेंगे सारी शॉप। 15000 भाई यार, पैसा ही नहीं है। जब अपने पास शॉप होती है तब पैसा नहीं होता, जब पैसा होता तो शॉप नहीं होती। एक्सपर्ट एनालिसिस तो कर देते अपने 7 डे स्टार्ट। 4 आइटम्स है हमारे पास सिर्फ, काश आज ज़्यादा कस्टमर। ए भाई, एक ही आया, सन ग्लासेस खरीदने आया है। 100 में ले लो भाई, क्या बताएं अब, 100 दे दो। तो 430 हमारी वीकली कॉस्ट कट चुकी है। मुझे लगा था 1000 कटेंगे, ज़्यादा कटेंगे, लेकिन ये तो कम ही कटे, लेकिन सही है। चलो तो वीकली स्टार्ट भी आ गई हमारी। आइटम सोल्ड 7, अबाउट 5, कस्टमर सर 12। ग्रॉस रेवेन्यू हमारा हुआ 7676 का, एक्सपेंस हुए 5000 के, वीकली कॉस्ट भी उसमें ऐड है, तो बैलेंस बचा हमारे पास 2296 का, हमको हुआ है प्रॉफिट। सही है गाइज, अपनी पॉन शॉप सही चल रही है। तो गाइज यहाँ पे अपने, हमने सक्सेसफुली अपनी वीक 1 सरवाइव कर ली है और बढ़िया सा प्रॉफिट भी निकाला है। तो चलो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो इसके बारे में तो मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये भी बता दीजिएगा कि मेरे को एड्स से ही शॉप बाय करनी पड़ेगी कि बाद में ऑप्शन आएगा, और या कोई ऐसा एम्प्लॉय जो हमारे कस्टमर बढ़ा सके। तो गाइज यार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो ताकि सबसे पहले सीरीज और वीडियो आपको ही मिले। चलो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।